नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना छहरटा पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया काबू, 2.25 किलो हेरोइन की बरामद। अमृतसर पुलिस और हथियार तस्करी करने वाले लोगों के बीच हुई मुठभेड़, 2 पिस्तौलों सहित 2 तस्कर किए काबू। अमृतसर कोट खालसा पुलिस ने एक महिला नशा तस्कर को किया काबू, 120 ग्राम हेरोइन, 2 लाख की ड्रग मनी की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना छहरटा की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 नौजवानों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पाकिस्तान तस्करों के साथ अमेरिका में बैठे जावेद नामक व्यक्ति के संपर्क में थे, जिसके कहने पर ये सारा काम करते थे। उन्होंने बताया कि इनकी उम्र 18 से 20 साल के करीब है और ये छोटी उम्र में ही नशे के धंधे में काफी चुस्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच में ये बात भी सामने आई है कि ये 1 महीने में ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से 8 से 10 किलो हेरोइन मंगवाते थे। उन्होंने बताया कि इनके पास से 2.25 किलो के करीब हेरोइन भी बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे और भी खुलासे हो सकते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं भी होर सानूं एक बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है, जिवें कि तुहानूं पहलां पता ही है कि पिछले दिनों च भी अपनी 2.5 किलो की 3.5 किलो की इदां काफ़ी रिकवरीज हुई हैं। सो साडी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। DCPs दोनों मंडेर साहब ते अभिमन्यू राणा जी, साडा SHO छियाटा रॉबिन और ये सारे ने रल के 2.25 किलो हीरोइन बरामद की गई है। चाहे रिकवरी 2.25 किलो की है, पर बड़ा इंपोर्टेंट एक मड्यूल सिंडिकेट बस्ट होया। ये जिहड़ा पता लगे कि जावेद करके बंदा इतों US बेस्ड हैगा, उहदे रैड कॉर्नर नोटिस वगैरह भी जारी किए हुए है। वह उत्थे अमेरिका च बैठा है, सारा कंट्रोल कर रहा ड्रग्स जिहड़ा कार्टल हैगा। और ये 3 जिहड़े मुलजम असीं गिरफ्तार किए बड़े एक्टिव ने कुछ दिनों। एक है जगरूप जूपा हैगा, ये राणीके पिंड दा थाना करिंडा अमृतसर रूरल, और जगजीत लवप्रीत एलियस लवप्रीत है, ये रानगढ़ दा PS करिंडा अमृतसर रूरल। जशनप्रीत जशन ये भी रानगढ़ दा हैगा PS करिंडा। ये इन्हां दी आपां बैकग्राउंड देखिए, उम्र भी बड़ी छोटी है, 18-19 साल दे ये हैगे सारे। 12th पास, कोई कारपेंटर दा काम कर रहा है, कोई लेबर दा काम कर रहा है, उही ईजी मनी वाली गल। और काली नाम का एक समगलर जिन्हें अपना नाम काली रख्या होया, पाकिस्तान बेस्ड, वह भी इमरज हुआ है। और इन्हों की पूछताछ तो यह गल पता लगी है कि बेसिकली ये रेगुलरली ड्रोन राही इन्हों को कंसाइनमेंट आ रही थी। और कल भी जी कंसाइनमेंट है वो पुलिस ने बड़ा BSF के नाल भी असी हैल्प करके वो जी सारी रिकवरी की, उस एरिए असी सर्च भी किया। तो ये गल इन्हों की पूछगिछ तो पता लगी है कि रेगुलरली ड्रोन राही ये मंगा रहे थे और बड़े एक्टिव से। जगरूप जूपा जड़ा हैगा ये 1 महीने तो काफ़ी ज़्यादा सरगर्म रहा ड्रोन दे राही हीरोइन स्मगल करन दे विच। सॉर्टीज़ कितनी हुई हैं वो सारी गलबात असी क्लीयर कर रहे हैं, बट जो पता लग गया कि ऑलमोस्ट एवरेज दी महीने च 5-6 तो वध ही है। अमृतसर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर पुलिस ने न्यू अमृतसर के पास एक स्पेशल नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान पुलिस की ओर से हथियारों की तस्करी करने वाले तस्करों को काबू करने की कोशिश की गई, तो उनकी ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तस्करों पर फायरिंग की गई, जिसमें एक तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। तो वहीं दूसरे तस्कर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्तौलें भी बरामद की हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं गुरिंदरवीर सिंह सिद्धू, ACP ईस्ट अमृतसर। सर, की मामला हुआ है, कैसी जगह?
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਨੈਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਇਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਆੜ ਲੈ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, 4-5 ਫਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ 3 ਫਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ? ਉਹਦੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਇੰਬੈਂਕਮੈਂਟ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 1.25 ਕਿੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਛੁੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 1.25 ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਬੜ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਕੋ ਰੋਕਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਕੇ ਚਲਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੋ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਸਹਿਤ ਕਾਬੂ ਕੀਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ SP ਵਿਸ਼ਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪਕੜੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜੋਤੀ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਪਾਸ ਸੇ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਔਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਾ ਇੱਕ ਔਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਨੋਂ ਮੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ SP ਸਾਹਿਬ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਯੋਗ CP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਪਤਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੈਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਪਲੱਸ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖਾਪੜ ਖਿੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਆ, ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NDPS ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੇਸ ਛਿਆਟੇ ਦੇ ਅਤੇ 1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ NDPS ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਆ। ਇਹ ਹੈਪਚੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਗਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈਪਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੇ ਉਪਚੁਣਾਵੋਂ ਕੇ ਚਲਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇ ਹਲਕਾ ਹੇਬੋਵਾਲ ਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਕਾਰਯਕਰਤਾਓਂ ਨੇ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੇ ਮੈਂਬਰ
पार्लियामेंट डॉक्टर राजकुमार चबेवाल खास तौर पर मौजूद रहे। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। सब तो पहला साहबों प्यार भरी सत श्रीकाल राम राम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो अज बड़ा खुशी वाला समा भागा वाला समा कि साढ़े बेटा जी डॉक्टर शांक जी अज नोमीनेशन कर रहे चबेर हलका विधानसभा तो आम आदमी पार्टी वालों तो पूरी समुची टीम जिला होशियारपुर की सारे MLA साहबान मंत्री साहबान तो पूरा संगठन इतने पहुंचे है बेटी को आशीर्वाद लेने देन। तो सू उम्मीद आ पूरी असी चबेल हल्के की नहीं बल्कि चार जी बाई इलैक्शन हो रही पूरे पंजाब जो आम आदमी पार्टी को मैं कहूँगा बेपना मुहब्बत बेविचार प्यार सानू जो मिल रहा है तो यह भी एक वड्डी लीड ना असी जित के आप अरविंद जी की झोली पावे भगवंत मान जी झोली पावे। तो मैं वधाई देना चाहता पूरी चबेल की टीम को तो डॉक्टर साहब भी एक असं एक वड्डी लीड एक वड्डी मार्जिन असी आप सीट नूं आपां जितांगे। अज आप वाहगुरु की अपार कृपा सदका जो मेरे नॉमीनेशन पेपर है फाइल कर दिते हैं तो अज मैं बहुत खुशी है इस गल की तो मैं बहुत अपने मान महसूस कर रहा। तो सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहता है जो आम आदमी पार्टी की समुची हाई कमांड है जो साढ़े सुप्रीमो ने नैशनल सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी साढ़े बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी साढ़े जनरल सैक्रटरी डॉक्टर संदीप पाठक जी तो सो सारी समुची हाई कमांड है। तो अज मेरे मौजूद मेरे बहुत ही माननीय पिता जी डॉक्टर राजकुमार चबेवाल मैंबर पार्लियामेंट होशियारपुर साढ़े सत्कारयोग कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह जी तो होर सारे जो आम आदमी पार्टी के MLA से समुची जो संगठन है सारा तो उन्होंने मैं तो दिलों धन्यवाद करता हाँ जो अज वो मेरे नाल आए तो मेरे नाल उन्होंने अज जो नॉमीनेशन पेपर है फाइल कर मेरे नाल मेरा साथ दिता है तो शुरू तो ही मेरे साथ रहे हैं तो मैं उसका बहुत धन्यवादी हूँ। जो एजेंडा है वो ग्राउंड लैवल पर अच्छी तरह काम करना है तो पूरी मेहनत करनी है दिन रात एक करके जो है सारी जो आम आदमी पार्टी की साड़ी जो टीम है सारी हाई कमांड तो लैके जो सारी ग्राउंड लैवल तक सारे ने रल मिल के टीम वर्क के नाल काम करना है तो आप इलैक्शन जो लोग सभा की इलैक्शन सी उस भी ज़्यादा मार्जिन जितना है। देखो नौजवान जो है वह जोश लेके आते हैं बहुत सारा उन्होंने जोश जो है आपू सा बहुत ही सहायक है अपन बहुत जरूरत है नौजवानों के जोश की तो नौजवानों के लिए होर भी बहुत काम भी करा आप जिस तरह इंडस्ट्री लेके आनी है चबेवाल बहुत वीड्डी जिद नौजवानों जो रोजगार मिलेगा तो नौजवानों के लिए खेडन के लिए भी सुविधावान जिस तरह के स्टेडियम तो जिम है तो होर भी बहुत सारिया सुविधा आप लेके आवेंगे। देखो जो चबेवाल च विकास की सुनामी है वो पहला तो ही आ चुकी है जिस तरह डॉक्टर राजकुमार चबेवाल जो लोग सभा इलैक्शन जीते थे उन्होंने जित हासिल की सी उस तो बाद ही दो महीनों के 60 to 70 crore की जो ग्रांट्स है वो चबेवाल हल्के आ चुकी है तो बहुत सारे जो काम है वो शुरू भी हो चुके हैं और बहुत जोर शोर चल भी रहे हैं तो इसी तरह होर भी जो काम बचे है तो ये काम पूरे भी करांगे जेडे काम रह भी गए आप भी खत्म करांगे। पंजाब में एक बार फिर से बच्चों को अगवा कर बेचने के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं जिसका ताजा मामला सामने आया है अमृतसर के थाना गेट हकीमा से जहां एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया गया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SP विशाल जीत सिंह ने बताया कि थाना गेट हकीमा के अधीन आते इलाके में नाबालिग लड़की के अगवा होने का मामला सामने आया है जिसमें 3 महिलाएं शामिल थी जिन्हें काबू कर लिया गया है जिनकी पहचान किरण देवी राजकौर और नवजोत कौर गौरा के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि राजकौर और नवजोत कौर द्वारा लड़की को अगवा करके पालिका में किरण देवी और दिव्या नामक महिला को बेच दिया गया था और इन दोनों महिलाओं ने लड़की को 1 lakh rupees में आगे हैप्पी नामक लड़की को बेच दिया था। उन्होंने बताया कि जिस लड़की को महिलाओं ने अगवा किया था वो इनकी रिश्तेदार ही थी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। थाना गेट की मंदे विच एक मुकदमा नंबर 136 जिहड़ा 31/7/24 का दर्ज होया सीगा जिस दे विच एक नाबालिग लड़की जिहड़ी आ ओह गुम हुई सीगी ते उस दे पिता दे बयान दे उत्ते मुकदमा दर्ज होया सीगा जिस ते काम करदिआं साडे ACP सेंट्रल अते थाना गेट की मंदे इंचार्ज साहिबान ने इस नूं ट्रेस करके इस दे विच 3 बंदिआं दी अरैसट पाई है। ये किरण देवी राजकौर ते नवजोत कौर गौरा इन्हां दी जिहड़ी इस मुकदमे च अरैसट हुई है। इस दे विच जिहड़ी वेखण वाली गल जिहड़ी सामने आई है उस दे विच इह आ वी इह लड़की जिहड़ी आ ये दो
ਰਾਜ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਸ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਮਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਇਹ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਕੀ ਅੱਗੇ ਹੈਪੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀਓ ਕੇ ਚਲਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਂਗੇ। ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਆ। ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਾਂਪ੍ਰਦਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਭੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਤੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋ ਛੋੜਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਵਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣੇ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹੇ ਕਭੀ ਰੋਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। धान के सीजन के चलते और सर्दी की आमद से पड़ने वाली धुंध के मद्देनजर एनजीओ वेलफेयर क्लब जीरा की ओर से एसडीएम जीरा गुरमीत सिंह की अगुवाई में घंटा घर चौक से सड़कों पर गुजरने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम जीरा गुरमीत सिंह ने बताया कि सर्दी के मौसम के चलते पड़ने वाली धुंध और धान के सीजन को ध्यान में रखते हुए एनजीओ वेलफेयर क्लब के सहयोग से सड़कों पर गुजर रहे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं ताकि धुंध और रात के समय लाइट पड़ने पर ये रिफ्लेक्टर दूर से ही दिखाई दें, जिस कारण सड़क दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। जिरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। पता कि आने वाला समा सर्दियों का समा जिदे धुंध पैंदी है, एक्सीडेंट बहुत बढ़ जाते हैं। ये जिहड़ा अज इत्थे चौंक दे विच आपां सारे खड़े आ, ये ट्रैफिक जागरूकता वास्ते ਜੀਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਹਾਂਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐਨ ਜੀ ਓ ਜੀਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਗਰਣ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਟਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਸਮਾਂ ਧੁੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘਟਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਓ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਤੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ 500-700 ਗੱਡੀ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੋਜਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਕੂਟਰ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਣ। डी आर नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर छावनी में सिटी ग्रुप के सहयोग से इंटर स्कूल कंपटीशन करवाया गया, जिसमें सिटी ग्रुप शाहपुर कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत कुमार ठाकुर मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस इंटर स्कूल कंपटीशन में रंगोली, मेहंदी, पोस्टर मेकिंग, भाषण और डांस मुकाबले करवाए गए। इस मौके पर प्रिंसिपल दीपक सनन ने बताया कि इस कॉम्पिटिशन में लगभग 15 स्कूलों और BDR कॉलेज जालंधर कैंट के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की अंदरूनी प्रतिभा को निखारना है। उन्होंने कहा कि इनकी कोशिश रहेगी कि आगे भी इसी तरह के कंपटीशन करवाए जाएं। इस मौके पर मैनेजर MK जैन, वाइस प्रिंसिपल अंजनी, आशीष शर्मा, सतेंद्र कौर, अर्पणा यामिनी, अनुराधा कालरा, विश्लेष जैन, गौरव जैन, पूजा जैन, अन्नपूर्णा जैन, सुमन, सुनीता, हिना जोशी सहित स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ DR ਜੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 14 ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਾਲਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਇਮ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों ने बहुत सारी यहाँ तैयारियाँ की हैं और बहुत अच्छे से सब बच्चे अपना अपना परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हैं। उनके कॉस्ट्यूम्स और उनकी एक्साइटमेंट देखकर मुझे खुद को एक्साइटमेंट फील हो रही है, और मैं अपनी गुड विशेज उन्हें देना चाहूँगी। आई जस्ट वांट टू से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैं आप और कोई स्कूल में भी जाते हो कॉम्पिटिशन करते हो कि आप और किसी स्टेट स्कूल में पढ़ाते हो? मैं स्टेट पब्लिक स्कूल जलंधर कैंट में डांस टीचर के पोस्ट पर हूँ, एंड आई एम वर्किंग देयर फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। तो 15 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत बार जजमेंट किया है, बट यहाँ जैसे गवर्नमेंट स्कूल में
फर्स्ट टाइम है और यहाँ बच्चों का जो प्रदर्शन है या जिस भी तरह से वो परफॉर्म करेंगे उसे देखने के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। छोटे बच्चों में कैसा उत्साह लगता है जब टीचर कराते हैं, टीचरिंग कराते हैं? बच्चे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब कोई परफॉर्म करता है, स्टेज पे परफॉर्म करता है, तो सभी अपना बेस्ट देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, जब भी किसी को स्टेज पे आना है तो हर कोई कोशिश करता है कि वो अपना बेस्ट दे। दीपक सानन, प्रिंसिपल डी आर जैन नैशनल सीनियर सैकेंडरी स्कूल जलंधर कैंट, तुहानू दस रहा कि साडे स्कूल दे विच अज जिहड़ा है इंटर स्कूल कंपीटीशन का प्रोग्राम रखा गया है। इस 12 तो लैके 15 स्कूल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साढ़े स्कूल के जोड़ा है फंक्शन हो रहा है, इस विच सिटी कॉलेज के डायरैक्टर जोड़े हैं मुख्य मेहमान है, तो शहर तो भी काफ़ी प्रिंसीपल जो है साढ़े मुख्य मेहमान वजों आ रहे हैं। इस विच कंपीटीशन विच रंगोली है, मेहंदी है, पोस्टर मेकिंग है, स्पीच है, डांस है, तो सोंग है, यहो जे कंप जोड़े है ईवेंट्स रखे गए हैं। तो साढ़े स्कूल के जोड़े मेन स्कूल जोड़े आ रहे हैं, एक तो साइंसा स्कूल आ रहा व जलंधर सिटी तो, एक DSST सीनियर सैकेंडरी स्कूल सोलर रोड, DSST स्कूल बस्ती 9, LR दुआबा स्कूल, तो पार्वती जैन स्कूल जोड़े शहर तो स्कूल आ रहे हैं। तो कैंट के गुरु नानक स्कूल, गुरु नानक कन्या स्कूल, BDRA कॉलेज, सिटी कॉलेज, तो तुलसी ST स्कूल, ठीक है, यह स्कूल जोड़े है साढ़े स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो असी जिहड़ा चाहते हैं कि यहोजे कंपीटीशन होन ताकि बच्चों की जिहड़ी प्रतिभा जिहड़ी है बाहर निकले, तो असी हर साल ही कोशिश करांगे कि इंटर स्कूल कंपीटीशन कराएगा। माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्बापिंड चौक जालंधर में माँ बगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान भुवन धीर से विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। सिद्ध माँ बगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज भक्तों से ईश्वर भक्ति का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि मन, कर्म और वचन से सच्चे बने, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हम उस एक ईश्वर के ही अंश हैं। इस पर श्वेता भारद्वाज, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, नवदीप उदय, अजीत कुमार, नरेंद्र, रोहित भाटिया, अमरेंद्र सिंह, एडवोकेट शर्मा, वरुण, नितिश, बलदेव सिंह, बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया गया। जय मां बगलामुखी जी। आज मां बगलामुखी का जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा जो क्षेत्र है, उसके महादेव भव्य मंदिर के जेड़े साप्ताहिक हवन यज्ञ की तिथि आती है, उस कड़ी के बीच जेड़ा वीरवार का हवन यज्ञ किया गया, और बगल जेड़े छेवें से मंदिर पटल के बीच पहुंच के उन्होंने महावैद्य जी का स्वागत किया और हवन यज्ञ के लिए आहुतियां पाईया। मां बगलामुखी जी का कृपा था और सारे बगल जेड़े खुश और तंदुरुस्त रहे। इतने मैं भी कहना चाहना कि दिवाली के उपलक्ष के जो बाबू जी के जो प्रश्न हो रहे हैं, उन्होंने कोई भी भोजन जो अपना वो स्लॉट जो टाइम स्लॉट लेना चाहता है वो ले सकता है, ताकि जो दिवाली अपना हवन यज्ञ करवा सके। और एक बार विशाल जो वा हवन यज्ञ होंगे है माते भक्तों को बेनती की जाती है कि सवेरे 8:30 मंदिर परिसर में पहुँच के उसके बाद जरा लंगर प्रसाद करें और 9 हवन यज्ञ शुरू होगा। 9 तो लैके 11:30 तक हवन यज्ञ और 12 पूर्ण होने के बाद जरा लंगर भंडारा जरा विशाल चलाया जाए। जय मां बगला। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दोमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आह्वान कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया। हवन यज्ञ में NRI दिवेश्वरम सिकंदर ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर यज्ञ में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर एवं गुरु माता नीरज रतन सिकंदर, जो कि परिवार सहित संगठन का प्रचार करने विदेश गए थे, वापस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अगले वीरवार को दीपावली का भव्य
हवन यज्ञ किया जाएगा एवं विशेष पूजा होगी। इस अवसर पर अश्वनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, मोहित गांधी, यशिक कालिया, कमल राजकुमार, सतपाल शंकर दास, महिला विंग की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, मीना जैन, राधा अरोड़ा, बलजीत कौर, नीलम बोहरा, अमरजीत कौर सहित सभी सदस्य और असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। पावन इस महायज्ञ को करने जा रहे हो, आप देख रहे हो कि हमारा जो मंदिर है भूमि बन के तैयार हो गया है और ये यज्ञशाला भी जो बहुत जल्दी यज्ञ बन के तैयार हो जाएगी। तो ये सब कुछ जो भी है माँ बगलामुखी की असीम कृपा और भोले भंडारी की जो असीम कृपा है उसी के कारण संभव हुआ है। तो आप सब का सहयोग हमेशा ऐसा ही मिलता रहे। पिछले दिनों मैं विदेश में जाकर के उस समय अपना माँ भगवती का प्रचार और इस पावन धरा का प्रचार करने में व्यतीत किया, तो आज फिर माँ भगवती के शिव चरणों में उपस्थित होकर पूरे परिवार सहित आप सबका अति धन्यवादी मैं हूँ कि आपने पीछे से माँ की जो आलत हमने जगाई थी उस आलत को वैसे ही बरकरार था और आपने बहुत सारा सहयोग हमारे जो नए प्रधान अश्विनी यादव जी और आयुष यादव जी उनको आपने दिया और हमारे बीच कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हमसे बिछड़े जिनके लिए मैं दिल से अरदास करता हूँ कि उनको माँ भगवती अपने शरीर चरणों में निवास दें। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नजदीक गाखला पुल जालंधर की तरफ से साप्ताहिक माँ बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस मौके पर मनीष लड़ोइया, संजीव बजाज, परवेश कपूर, नीरज कपूर, राजेश शर्मा, रोहित बहल, विजय हांडा, संजीव चड्ढा, डॉक्टर जसबीर अरोड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा, मुनीश हांडा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। आरती उपरांत भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। माँ राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नजदीक गाखला पुल धालीवाल में आज माँ बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने आकर के माँ हवन में आहुतियाँ डाली और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। माता रानी से यही प्रार्थना है कि माता रानी जो भी तुम्हारे दर पर आए, जो भी भक्तों की मनोकामनाएं, उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और 1 नवंबर 2024 को दीपावली है, उस दिन पर्सनल हवन भी किए जाएंगे। जिन भक्तों ने कोई भी रोग दोष है, कोई भी वैसी बीमारी है, वो आकर के मंदिर परिसर में हवन कराएं और माँ बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। अमृतसर के थाना छेरटा पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया काबू, 2.25 किलो हेरोइन की बरामद। अमृतसर पुलिस और हथियार तस्करी करने वाले लोगों के बीच हुई मुठभेड़, 2 पिस्तौलों सहित 2 तस्कर किए काबू। अमृतसर कोट खालसा पुलिस ने एक महिला नशा तस्कर को किया काबू, 120 ग्राम हेरोइन, 2 लाख की ड्रग मनी की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।